유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 पूरा मेरठ का चक्कर लगाने के बाद उनको पता ही नहीं होगा। ये छोड़ा भैया ने तीर और ये तो आप इसे पिंचर कर सकते हो बाइक में। जिस टाइम पे हमारे टेल के रिजल्ट आते थे तो हमारे तो इंटरनेट पे आते नहीं थे, कंप्यूटर की दुकान पे भीड़ लगाए खड़े होते थे और सब लोग अक्सर ये सोचते थे पहले तू अपना रिजल्ट देख फिर ये देखेगा, सबसे लास्ट में अपना देखूंगा। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और चैनल को अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो आज का व्लॉग है इसलिए स्पेशल क्योंकि ना तो मैं अपनी होंडा सिटी में और ना ही भैया अपनी i20 में निकले हैं, तो हम लोग निकले हैं स्पेशल गाड़ी में जिसमें शायद कभी मैंने भी अपनी जीवन की शुरुआत करी थी गाड़ी चलाना सीखने से और इन्होंने भी अपनी गाड़ी की शुरुआत करी थी चलाना सीखने से। और ये गाड़ी हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि सबके पास कभी ना कभी तो रही होगी। तो अभी ये 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी है, दोस्त की थी, आया तो हमने सोचा कि एक व्लॉग शूट कर लिया जाए कैसा फील होता है इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद। और हम लोग उसकी चाबी मांग के लाए गाड़ी की कि हम ऐसे ही बाहर से गाड़ी को देखेंगे गाड़ी क्या एसी वगैरह कुछ काम करता है, लेकिन मन करा कि घूमने के लिए तो हम घूमने निकल गए। तो अभी कैसा फील हो रहा है, मतलब बहुत टाइटनेस है हर चीज़ के अंदर। तो अभी ये देख लो भाई इसका क्या अभी भी स्ट्रक्चर है आज भी इस गाड़ी का पुराना, भाई ये सब भूल नहीं सकता इंसान। तो ये एसी के वेंट हो, देखो जिसकी गाड़ी है उनको मिलती है शादी में। हाँ, फील कैसा आ रहा है तो अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी पिछले एक महीने से, तो अभी पिछले दो दिन से तो बहुत अच्छा मौसम हो गया, तो ऐसे मौसम में सफारी टाइप का राइड करने का भी मजा गाड़ी के अंदर अलग होता है कि काश इसमें एक सनरूफ होती सनरूफ या छोटे शहर की छोटी गाड़ी कह सकते हैं हम इसे। तो अभी कुछ खाने का मन कर रहा था, कुछ चटपटा, तो भैया कह रहे हैं बिरयानी के लिए, मैं कह रहा हूँ पराठे के लिए। तो अब कहाँ जाना है ये अभी भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढने से पहले इस गाड़ी से उतरने का मन नहीं कर रहा क्योंकि इस गाड़ी को चलाने का जो फील है ना वो ना लग्जूरियस है, और मतलब एक एक होता है कि आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो अब बस 90s के टाइप की। इस गाड़ी के साथ बहुत यादें जुड़ी हैं मेरी, तो जिसकी ये गाड़ी है मैं उसको बता दूं कि ये BMW से कम इसको मानते नहीं है भैया। और आपको दिखा दूं कि ये देखो इसमें पावर विंडो भी लगी है, और विंडो भी ऐसी लगी है कि जैसे ही चाबी से इसका लॉक बंद होता है, सेंट्रल लॉक भी लगा हुआ है इसमें, चाबी से लॉक बंद होता है विंडो अपने आप बंद हो जाती है, ऊपर ऑटोमेटिक विंडो लगी है भाई। जबरदस्त 6-7 हज़ार रुपये खर्च करे थे इन्होंने इसमें, और CNG पे चलते हैं, चीप एंड बेस्ट कार में मान के चल सकता हूँ इसको कि लोग सोचते हैं कि एक्टिवा लूँ या ये कार लूँ, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चार पहियों की ये एल्टो ले लो, एक्टिवा से भी सस्ती चलेगी। सो चलो अभी कुछ खा लेते हैं, भैया देख लो अभी कुछ रेस्टोरेंट मिल जाए या फिर, और मन तो वैसे ऐसा था कि बिरयानी भी अगर खानी है तो किसी ठेले पे वेज बिरयानी, और या पराठा खाना है तो आलू का आंटी के यहाँ पे, आंटी का आंटी है यहाँ पे आलू का पराठा बनाती है बहुत बढ़िया। तो भाई अभी टाइम हो गया 3 और हम गाड़ी लेके निकले थे 1:30 बजे, 1.5 घंटे की राइड के बाद पूरा मेरठ का चक्कर लगाने के बाद कहीं भी वेज बिरयानी हमें नहीं मिली। तो हमने डिसाइड करा 3 बजे कि हम लोग खाने वाले हैं राजमा चावल। मेरठ की सबसे फेमस जगह पे आए हम, सिविल लाइंस पे खड़े होते हैं मनोज भाई राजमा चावल वाले, और वो राजमा विद कड़ी चावल देते हैं और साथ में देते हैं। एक प्लेट हमने ली है ये मिक्स लो। सुबह भूख लग रही है अभी जबरदस्त, राजमा कड़ी चावल और एक है सिंगल राजमा चावल, एक नान की प्लेट। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मेरे राजमा चावल, ये है हमारी प्लेट जिसमें 2 रोटी हैं, पनीर है थोड़ा, ये सलाद मखनी, राजमा। इसमें कहीं ना कहीं एक चीज की कमी लग रही है वो है रायता। सो गाइज, मेरठ के सिविल लाइंस पे महिला थाना के जस्ट बगल में खड़े होते हैं ये मनोज भाई कड़ी चावल वाले, या कह लो मनोज भाई राजमा चावल वाले, जो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ये बड़े बड़े 3 भगोने इनके भरे हुए खाली हो जाते हैं। 40 रुपये पर प्लेट के हिसाब से ये एक प्लेट देते हैं, चाहे वो राजमा चावल हो, चाहे कड़ी चावल हो, या चाहे मिक्स राजमा कड़ी चावल, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है 10 रुपये का रायते का ग्लास हो जाए अगर एक गर्मी में तो क्या बात हो। खाना खा के मस्त पेट भर गया। Your kiss is burning, my skin feels so empty, it feels so bright.
वैसे घर जाते जाते मेरे को रास्ते में मिला स्टेडियम और यहाँ पे चल रहे हैं बच्चों के ट्रेनिंग। सो मैं हूँ इस समय कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में और दिखाता हूँ कुछ आप लोगों को कुछ तीरंदाजी जो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। मैं गया था सामने, स्विमिंग पूल की भी कॉन्टेस्ट चलने वाला है जो कि शाम को चलेगा, तो शाम को तो हम लोग अवेलेबल नहीं होंगे, बट हाँ अभी जो लाइव मेरे को सामने दिख रहा है बहुत अट्रैक्टिव वो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सामने गए हैं वो तीनों लोग जो कि ये स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो अभी वो तीरंदाजी को हिंदी में तीरंदाजी तीरंदाजी। सो गाइस ये भैया कर रहे हैं प्रैक्टिस, क्या क्या बोलते हैं स्पोर्ट, आइसिंग स्पोर्ट को आर्चरी बोलते हैं। आर्चरी और हिंदी में तीरंदाजी। तीरंदाजी ओके। तो आप किस लेवल की अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो कहाँ पे अभी तक आपने कहीं पे करी है? हाँ नेशनल खेल रखा है, मेडल है नेशनल में। अच्छा, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल रखी। ग्रेट, बहुत बढ़िया, इसमें भी मेडल। अच्छा ठीक है, तो अभी अभी आगे जाना है आपको तो क्या करने के लिए? अभी ये तो नेशनल लेवल तक ही है, सॉलिड हूँ जो नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और नेशनल। अच्छा, और उससे अगर बड़े लेवल खेलेंगे इंडिया लेवल या ओलंपिक तो उसके लिए रिकर्व आता है। Okay. वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। उसके प्रैक्टिस मेरठ में होती है? मेरठ में होती है, यहाँ पे भी है एक दो खिलाड़ी के पास, इनमें भी हमारा बजट नहीं है। हवा से भी थोड़ा इधर उधर होता होगा? हाँ, हवा का पूरा डायरेक्शन ये चेंज करता है जो ऊपर लगा रखे। अच्छा ओके। नहीं बट तुम्हारा थी जो इंटरनेशनल वाले होते हैं वो ओपन में थोड़ी होते हैं? ओपन में होता है। गेम स्कूटी उड़ा दोगे? स्कूटी तो नहीं होगा, बनेगी ज्यादा दूर है, उड़ेगी तो नहीं, पर मतलब हो जाएगा, पंचर हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, आम तोड़ दोगे? हाँ, पर तीर खराब हो जाएगा ना, इसके खराब हो जाएंगे भैया। इनको अर्जुन नहीं बना होगा कहीं? अर्जुन थोड़ी था, वो कौन था? तो पूरा का पूरा भैया की एक किट है जिसमें पेन रखा हुआ है, भैया ने चाबी रखी हुई है, पूरा जो भी भैया को ट्रेनिंग कोचिंग देते होंगे तो उसके लिए भैया का तो इसका नाम कंपाउंड है। नहीं तो हाथ दुख जाएगा ना इनका। तो ये छोड़ा भैया ने तीर और ये। तो गाइस ये बच्चों के आ रहे हैं 10th और 12th के रिजल्ट, तो हमें जिस टाइम पे हमारे 10th के रिजल्ट आते थे तो हमारे तो इंटरनेट पे आते नहीं थे, तो इंटरनेट पे आते तो हम कंप्यूटर की दुकान पे भीड़ लगा खड़े होते थे और सब लोग अक्सर ये सोचते थे पहले तू अपना रिजल्ट देख फिर ये देखेगा, सबसे लास्ट में अपना देखूंगा। भाई क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? दिल में दर्द हो रही है, देखो हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे दिमाग में रखे उम्र भी इतनी है भाई, घर वाले इस पर फैल गए, लट इस पर ना फैला, लट ऐसा इस पर लगे स्पोर्ट्स स्टेडियम में। मैं लगभग आधा घंटा रहा और मुझे वो वाली दंगल वाली मूवी का फील आ रहा है, यहाँ पे बच्चों के बॉयकट हैं, लड़कियों के बॉयकट हैं, तो वो अरे तुम इसको स्पीड में घुमा दो चौथे गियर में पांचवे गियर में। सो गाइस टाइम हो गया है अभी लगभग 6, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं घर के लिए। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।